बात बताइए, क्या किसान का बेटा अपने हक की बात नहीं कर सकता? कितना मीडिया का खौफ है देश में, कितने तरीके के दुष्प्रचारित करते हैं आप लोग कि कोई देश का नुमाइंदा आने को से कतरा रहा है, डर से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आ रहे, कहीं आप उसको खालिस्तानी न कह दीजिए, खालिस्तानी समर्थक न कह दीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, माने आप ही लोग तय करते हैं क्या बैठ के बंद कमरों में? महात्मा गांधी कौन थे, सरदार पटेल कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भैया आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में जाइएगा, हम किसानों के बच्चे ही सरहद की रक्षा करते हैं, हम किसानों के बेटे ही पत्रकारिता में जाते हैं, हम किसानों के बेटे ही राज्य की हिफाजत करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, औद्योगिक घरानों के नहीं बनते। जिसने भी कहा वो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है, गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादे हैं, मैं आपको बता दूं किसान वो होता है। आप प्रभु श्री कृष्ण की बात सुने थे गीता में? नहीं सुना था? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था किसान जो होते हैं ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा से भी बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक होता है। फिर दूसरी बात, जिन पंजाबी समुदाय के लोगों के बारे में कुछ मीडिया के दलाल पत्रकार और भाजपा के लोग विकृत मानसिकता के लोग बोलते हैं, मैं उनको इतिहास बताना चाहता हूं। जब हिंदू धर्म खतरे में था तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश की बलिदान दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो बिहार से आते हैं, हमें फख्र है कि मैं उनकी धरती से मैं पैदा लिया, ऐसे गुरु के धरती पर जन्म लिया जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी और हिंदू धर्म की रक्षा की। ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, भगवा वस्त्र पहनकर जो रावण की तरह माँ सीता का अपहरण करने वाले लोग, कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने वाले लोग, ये अपने ही देश के भस्मासुर हैं। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं और उनकी पूरी टोली के लोग वही हैं। एक बात बताइए, फर्क होता है परवरिश का। गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाइए भूसा, वो दूध ही देगी, और सांप को कितना भी दूध पिला दीजिए वो विषे उगलेगा। तो कौन है सावरकर के लोग? 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में भर्ती था और उसमें बंद था, तो उसमें से एक ही था सावरकर जिसने चिट्ठी लिखा और उसको 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। तो गोरे अंग्रेज का उसका जीजा लगता था कि फूफा लगता था, किस बात का 60 रुपया देता था उस समय का? 60 लाख माने 60 रुपया मतलब आज का 6 लाख रुपया महीना। ये वही कौम के लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, 93 चूम लिया, क्या कि हम वतन के लिए जी रहे। ये वही कौम के लोग हैं, 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग इसी समुदाय के थे। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा कि पंजाबियों को भी क्या पड़ी है भैया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ये गोरे अंग्रेज के दलाल और भरवे बोलते हैं तो शर्म नहीं आती है इनको? एक बात बताइए, हम कभी रफ भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों जब ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा तो मुझे भी गाली देने का मन करता है। आप ये बताइए, हाँ, बुजुर्ग बच्चे और युवा सभी रोड के ऊपर बैठे हैं, सरकार आखिर मान क्यों नहीं रही? कैसे मानेगी? अंबानी अडानी से जो दलाली लिया है वो पैसा आप दीजिएगा? ये 1000 ऑफिस जो पूरे देश में बना है भाजपा का 5-स्टार कार्यालय, पैसा कौन दिया है? एक बात बताइए, अगर आपको लड़का नहीं हो रहा है तो अपनी पत्नी को दूसरे के यहाँ तो नहीं भेजिएगा ना, उसका इलाज कराइएगा ना? तो सरकार निजीकरण के नाम पर पूरे देश को बेच रही है, क्यों ठेका दे रही है? पार्टी फंड में चंदा ले रही है और पार्टी कार्यालय बनाए जा रहे हैं, 20-20 हेलीकॉप्टर जो एक एक राज्य में घूमता है, 50-50 डिजिटल गाड़ियां घूमती है, ये हमको आपको समझना होगा ना। ये पैसे आते कहां से? अंबानी अडानी तो देता है कि हम आप देते हैं, किसान तो देगा नहीं, देगा कौन? अंबानी अडानी। इसलिए देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में दे दिया गया। क्यों? स्टॉक पर पाबंदी जो था उसको हटाया गया। इसलिए एक बात बताइए, आलू 10 रुपया के 5 किलो बिकता था, 2 रुपये किलो, तब भी चिप्स का दाम 10 रुपया था, आज 50 रुपये है फिर भी 10 रुपया है, मतलब कितना का मुनाफा है?